स्वामी जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ पैदा हुए थे? क्या हिंदी में बोले कि हिंदी में? हिंदी में हाँ। मेरा जन्म स्थान जो है गया डिस्ट्रिक्ट में है, राज्य है बिहार जो है। बिहार में है? बिहार जो है। और आप बिहार में बता रहे थे कि जो बुद्धा को एनलाइटमेंट, तो बुद्धा जो है वही गया डिस्ट्रिक्ट, गया जिला में जो है वहाँ उनका जो है एनलाइटमेंट प्राप्त किए थे जो है, और उन्हीं के नाम पर जो है आजकल उसको सिटी का आउट सिटी को कर दिया बोध गया जो है। अच्छा। तो बुद्धिज्म का जो है वहीं से प्रसार तो हुआ, सारनाथ से जो है, वहाँ के एनलाइटमेंट के बाद जो बनारस आया जो है और अपना शिष्य को उन्होंने अपना प्रवचन किए, तो वही तो भारत के इतिहास में जो है मौर्य डायनेस्टी थी। तो मौर्य डायनेस्टी जो है वो भगवान बुद्ध के जो है शिष्य बन गए थे। तो उनकी जो है अशोक जो थे सम्राट अशोक, उन्होंने अपने लड़का और लड़की को दोनों को जो है बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए जो है एशिया जो है साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया पहुँचे जो है। तो बुद्धिज्म का जो है स्थान तो बिहार जो है भारत के इतिहास में स्वर्णमय इतिहास रहा है। इसको बोलते थे मौर्य डायनेस्टी, जिसके किंग अशोक थे गुप्त जो है, और अशोक जो है बुद्धिज्म को अपनाने के चलते बुद्धिज्म का प्रचार सारा बाहर विदेशों में हुआ जो है। और ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जो है कि जहाँ से बुद्धिज्म का स्टार्ट हुआ वहाँ से बुद्धिज्म कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो गया, और जैसे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, आपका जापान, चाइना, सब जगह जो फैल गया जो है। तो वहीं पर मेरी पैदाइश जो है तो भारत के इतिहास में, और अशोक ने ही जो है सबसे पहले दो यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए, एक बोलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी और एक है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो तक्षशिला आज पाकिस्तान में चला गया है। तो नालंदा बहुत पुराना यूनिवर्सिटी थी और सारे साउथ एशियन कंट्री के जो है वहाँ पर 1700 स्टूडेंट्स वहाँ पर आते थे जो है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो पटना के पास है जो है। तो मौर्य के डायनेस्टी के समय उसको बोलते थे पाटलिपुत्र, तो वही राजधानी थी, वो आज इसको हम बोलते हैं पटना। तो पटना बिहार राज्य की राजधानी है जो है, कैपिटल। हाँ। और बुद्धिज्म में पाली शब्द में बिहार माने बोलते थे जो बौद्धिक भिक्षुक होते थे वो भ्रमण करते थे। भिक्षुक क्या होता है? माने बौद्धिक मॉन्क्स। मॉन्क्स हाँ। तो मॉन्क्स को हिंदी में उसको भिक्षुक बोलते हैं, जैसे इंडियन ट्रेडिशन में स्वामी जो है सन्यासी को बोलते हैं, जैसे जो है अपना उर्दू में फकीर बोलते हैं, तो फकीर जो होता है वही संस्कृत में उसको बोलते हैं सन्यासी जो है। तो उस प्रकार बुद्धिज्म में जो मॉन्क होते हैं उसको बोलते हैं भिक्षुक। तो जो भ्रमण करते थे वो बिहार, तो इसलिए उसका नाम पड़ा बिहार स्टेट। तो यही मेरी छोटी सी जो है परिचय है जो है, और उसके बाद जो है मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया, मैंने इंजीनियरिंग किया जो है। अच्छा। वहीं से पटना। स्वामी कैसे बन गए? मैं स्वामी बना 1967 में जब मैं ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स किया जो है, और उसके बाद फिर जो है मैं 67 में संन्यास जीवन यापन शुरू किया, धारण किया जो है। वो क्या होता है संन्यास जीवन? संन्यास माने स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना जो है। आपका मास्टर्स किस चीज़ में था? मास्टर में रहता है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ। उसी में मैं बीएस किया था पटना साइंस। तो आपके जो पिताजी माताजी थे वो नाराज नहीं हुए कि यार मास्टर करके क्या चक्कर पड़ गए? नाराज हुए, वो तो बहुत टाइम लगा जो है, एक दो साल रिकॉन्साइल करने के लिए जो है। अच्छा। क्या तो स्वाभाविक होता है, भारतीय जो संस्कार होता है जी जी, और लोग चाहते हैं कि माँ बाप जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे जीवन में रहे जो है, जिसको आगे उनकी सेवा शुश्रूषा कर सके जो है जी जी। कोई भी नहीं सन्यासी बनना चाहता है जी जी। तो एक कहने कि हमारे जो अपने जो कल्चर है, अपना जो वो आध्यात्मिकता का जो फाउंडेशन जो है, तो कहते हैं कि आध्यात्मिकता जो है क्या है कि वो आध्यात्मिकता जो है मनुष्य को अनुभूति की चीज़ है। वो क्या होता है? अनुभूति का मतलब रियलाइजेशन की बात है। जैसे बोलते हैं ना कि जो है वो रूह जो है, आत्मा जिसको बोलते हैं उर्दू में उसको रूह बोलते हैं, हिंदी में उसको आत्मा बोलते हैं, तो बोलते हैं आत्मा परमात्मा कहाँ स्वरूप है जो, तो वह जो रूह है उसको अनुभूति होता है जो। तो आध्यात्मिकता वही है जो है। और मजहब क्या होता है? मजहब सारा विचारधारा किसी कुछ विश्वास पर बना रहता है जो, लेकिन वह जो रूह जो है उसकी अनुभूति होता है कि नहीं मैं, हमारा जो रूह है जो है
वो एक ही है जो है और हम सब एक हैं जो है। तो इसकी जो विचारधारा को, इसका जो मन का जो विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो है जो विचारधारा जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू जो सोचता है वो संकीर्ण के दायरा होता है। वो सोचता है कि संकीर्ण क्या होता है, मैंने नैरोनेस। तो आपकी असल में हिंदी आपकी बहुत गाढ़ी है। तो इसे तो ये जो है स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, आध्यात्मिकतावाद क्या करता है कि इस नैरिकता से जो नैरोनेस होता है उस आदमी से मुक्त करता है, उसको जो है यूनिवर्सल आउटलुक सोचता है, जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक व्यू जो है। जैसे मनुष्य का शरीर का ले जो है, एक होता है एनालिटिकल अप्रोच और एक होता है सिंथेटिकल अप्रोच। सो सिंथेटिकल माना हुआ विशेषलात्मक विशेष, जैसे बोलते हैं शरीर होगा तो बोलते हैं कि यह तो राइट हैंड है, एक दाया हाथ है, बायां हाथ है, दाया आँख है, बायां आँख है, एक नाक है, एक कान है और एक दो पैर है, पांच उंगली है। तो इसको कहते हैं विशेषलात्मक बोलते हैं, विशेषलात्मक। हाँ माने एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल। सिंथेटिकल बोलते कि नहीं ये मेरे सारा शरीर का मिल करके अंग बनता है, इसको बोलते ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो ये जो डिफरेंट जो है वो सब मिला करके एक जो हुआ, एकीकरण जो हुआ, इसी को बोलते हैं सिंथेटिकल। तो आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी क्या आता है, वो इस दृष्टिकोण से लाता है कि वो जो हमारा जैसे बांग्लादेश का था, हमार बांग्ला सुनार बांग्ला, जियो सेंटीमेंट, तो यह जो है उसे आगे से ऊपर करता है, तो उसको सारा संसार को अपना समावेश करता है। ये सिमिलर टू थिंक इंटायर वर्ल्ड इज वन लाइक इन द डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज अ होल ह्यूमन बॉडी इन इंटायरिटी। तो इस तरह के जो चिंतन होता है, इस तरह के जो थिंकिंग जो आता है, ये थिंकिंग आध्यात्मिकता से आता है। और जो नैरोनेस आते जो संकृत विचारधारा होता है, वह जो है सर्टेन डॉगमा, सर्टेन जो है बिलीफ जो है, जिसका कोई साइंटिफिक, जिसका कोई कहते ना कि मजहब में दखल में अकल नहीं जो है, यू कैनॉट आर्गो। जैसे हम बोलते हैं कि ठीक है आप पूरब में बैठिए, आप बोले कि स्वामी जी हम पूरब में क्यों बैठे। पूरब क्या होता है, माने पूरब माने हुआ है ईस्ट, ईस्ट। अच्छा, तो बोले कि नहीं आप ईस्ट में, आपका नाम मैं भूल गया, रिहान, रिहान जी, रिहान जी आप जो है ईस्ट को फेस करके आप बैठिए जो है। आप बोले करे स्वामी जी क्यों ईस्ट में क्यों फेस करूंगा, बोले कि नहीं मैं कहता हूँ, आर्ग्यू नहीं करेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं कि मजहब में अकल में दखल नहीं, माने यू कैन नॉट डिस्प्यूट द रिलीजियस डॉगमास एंड फेथ एंड बिलीफ। इट जस्ट लाइक इन क्रिश्चियनिटी कॉल्स द 10 कमांडमेंट, इट्स माय कमांड बट दैट इज नॉट कमांड, इज इंडिविजुअल कमांड। जैसे मैं इंडिविजुअल, मेरा नाम है स्वामी सत्य ब्रह्मानंद, तो मैं बोलता हूँ रोहान जी आप बैठिए, अरे दिस इज नॉट, यू आर ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप यू हैव एवरी राइट टू आस्क मी कि हाँ स्वामी जी हम पूरा में ईस्ट में क्यों बैठे हैं जो है, व्हाट इज द स्पेशलिटी, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटिंग द ईस्ट, देन आई हैव टू सेट कि एक्सप्लेन है हम क्या ईस्ट में है कि ना सूरज का उदय, व्हेन द सन राइजेज ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, सो व्हेन यू राइज इन द ईस्ट देन यू हैव ऑल द वाइब्रेसिटीज, सो यू गेट द सन्स एनर्जी, सो देयरफॉर यू शुड फेस इन द ईस्ट। बोले कि यार दैट्स राइट, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, ये तो सत्य है, सूर्य जो है वेस्ट में राइज नहीं करती है जो। तो वेन आई से कि फेस टुवर्ड द ईस्ट देन बिकॉज वी विल गेट द सन साइन, वी विल गेट द सेल एनर्जी, वी विल गेट द लाइटनेस, प्रकाश देखेंगे, वी गेट विटामिन डी, सो दैट मेक्स सेंस, बिकॉज यू से दैट्स ट्रू, बिकॉज यू विल नॉट डिस्प्यूट के नो द सन राइजेज इन द नॉर्थ और साउथ, यू कैन नॉट डिस्प्यूट, उसको तर्क नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में लोग जो जितने भी स्वामी होते हैं वो इजाजत देते हैं सवाल करने की, या वो कहते हैं चुप करके सुनो बस। ना ना संकीर्ण तो होता है वही करने के, कोई जैसे शिक्षा, अब देखिए शिक्षा कितना महत्व होता है, शिक्षा क्या, एजुकेशन, एजुकेशन। सपोज टुडे वी आर वेयर वी आर इज ड्यू टू एजुकेशन, हिंदी में बोलते हैं ना कि जहाँ जिस अवस्था में आज हम पहुँचे हैं जो है वो किस अवस्था से आए, इट ड्यू टू एजुकेशन, शिक्षा के चलते आए गए, जैसे आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, योर कन्वर्सेशन हैड, सपोज इन अमेरिका दे नो वन इंग्लिश, सो वी नो ओनली उर्दू और वी नो हिंदी, वी कैनॉट इंटरैक्ट, सही बात, वी कैनॉट सपोज यू वॉन्ट टू जॉब बिकॉज वी लिव इन चैलेंजिंग वर्ल्ड, चुनौती का
भरा समय रहता है. इट्स कट थ्रोट कंपटीशन इन एवरी फील्ड. हर एक क्षेत्र में जो है इसका चुनौती भरा है जो है. टू कम्पीट इन द वर्ल्ड वी मस्ट हैव नॉलेज. इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, वी डोंट हैव अ स्किल, वी कैनॉट कम्पीट. वी कैनॉट लिव अ लाइफ विथ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड डिसेंसी. यानी जीवन जो है एक रिस्पेक्ट के साथ, आदर और एक जो है स्वाभिमान और गौरव के साथ नहीं लीड कर सकते हैं. तो उसके क्या है शिक्षा, जैसे शिक्षा वही मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन इज नॉट अ टूल बट इज अ की टू अनलॉक द ह्यूमन पोटेंशियल एंड एक्सप्रेस सर ऑफ हैप्पीनेस. सो एजुकेशन इज बेसिक टूल्स. इट इज नॉट ओनली टूल्स बट इट इज ए मैंडेटरी, इट मस्ट. वी कैनॉट लिव विदाउट एजुकेशन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड.